हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान, घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। हमने आपसे आज मुख्तारवादी आतंक की घंटी कैसे बजी ये दिखाने का वादा किया था, लेकिन अब हम आपको ये रिपोर्ट कल दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आज यूपी के हाथरस में दुष्कर्म की पीड़ित बेटी ने दिल्ली में दम तोड़ दिया। टूट जाए गर्दन, कट जाए जुबान, क्या बेटियों को अब बचाएंगे भगवान? हाथरस की बेटी को बचाने से ज्यादा हाथरस की पुलिस अपनी इमेज बचाने में कैसे जुटी हुई थी? हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने से ज्यादा यूपी में हाथरस की पुलिस अधिकारी जो थे वो खुद की कुर्सी बचाने का दरवाजा कैसे ढूंढ रहे थे? ये रिपोर्ट आज देखिए आप और जानिए, और रिपोर्ट देखकर सहमत हो तो घंटी जरूर बजाइएगा और पूछिएगा, यूपी में अपराधियों पर बुलडोजर चलाने वाला कानून बेटियों को क्यों नहीं बचा पाता? कहानी की शुरुआत सिस्टम के आगे लाचार खड़ी कर दी गई पिछड़े समाज की बेटियों को लेकर लिखी गई अदम गोंडवी की कविता के साथ। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर बेटी बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई। किसने मारा आपको? किसने? और किस बात को लेकर? नौ दिन बाद किसी तरह बोल पाए, 15 दिन तक हाथ पैर ना हिलाने की हालत रही, दर्द झेलती रही। 16वें दिन हाथरस की बेटी ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाना मना होता है, लेकिन किसी बच्ची से दुष्कर्म करना, गर्दन तोड़ देना, जुबां पर चोट पहुंचाना, किसी बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़कर मार देने की भी तो इजाजत नहीं होती। दावा है सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के हाथरस में, भारत की राजधानी से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर, उत्तर प्रदेश के हाथरस का चंदपा थाना, जहां इस वक्त घर की महिलाएं रो रही हैं, क्योंकि 16 दिन पहले 14 सितंबर की सुबह इस घर की बेटी को इसी खेत के भीतर आरोप है दबंग परिवार के 4 लड़के खींच ले गए थे। घास भरने गई थी तो उन्होंने पहले से जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी, तो इसी हिसाब से वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी, वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया। मैं उसी बाजरे के खेत में हूँ जहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं ये बाजरे का खेत है। 14 सितंबर को सुबह 9:30 बजे करीब अपने भाई के साथ जो मृतका है वो यहाँ से बाजरा लेने गई थी ताकि जानवरों को चारा डाला जा सके, पर ऐसे में इन्हीं खेतों में कुछ युवकों ने उसको घसीट लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और हाथरस से 200 किलोमीटर दूर यह है दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, जहाँ अस्पताल की बिल्डिंग के पास उदास चेहरा यह हाथरस की बेटी के पिता का है। लड़की के ताऊ भाई को दिलासा देकर संभालते हैं, क्योंकि 16 दिन बाद मंगलवार सुबह हाथरस की बेटी ने दम तोड़ दिया। लड़की को अकेला देख करके उन्होंने उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाया और जवान भी काटी और ये कृत किया उन्होंने। और उन्हें इतना मारा पीटा
कि उनकी रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। लड़की की कमर तोड़ दी, लड़की की जीभ काटी गई थी, इससे बड़ा क्या कृत्य होगा। तो भाई कहता है, पिता बोलते हैं, ताऊ बताते हैं कि हाथरस में बेटी की गर्दन तोड़ी गई, जीभ को चोट पहुंचाई गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, लेकिन हाथरस की पुलिस कहती है ये सब असत्य है। हाथरस पुलिस के मुताबिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी नहीं गई, बल्कि गला दबाने के कारण रीढ़ ठीक से बेटी की काम नहीं कर रही थी, और जीभ काटी नहीं गई, बल्कि गर्दन दबाने पर दांत के बीच जीभ आने से चोट का निशान है। क्या हाथरस की पुलिस बेटी से निर्दयता में कमी दिखाकर अपनी छवि पर दाग लगने से बचाने में जुटी है? क्योंकि आरोप है पुलिस ने शुरुआत से मामला दबाने की कोशिश की। शुरुआत में केस छेड़छाड़ का भी नहीं, सिर्फ जानलेवा हमले के नाम पर दर्ज किया। पुलिस का काम चालू हुआ है जब हमारे समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हाथरस में, उसके बाद, क्योंकि उससे पहले पुलिस टालम टोल कर रही थी, ना किसी की सुन रही थी, बस हमारे घर पे आए तो ऐसे बोल रहे घर पे आके कि तुम्हारे पास उन लड़कों का नंबर हो तो दे दो, कोई जान पहचान, ऐसे बोल रहे थे जैसे वो हमारे घर के ही लड़के हों। 14 तारीख को अपराध होता है, पुलिस सिर्फ हत्या की कोशिश का केस दर्ज करती है, रेप की धारा पुलिस 8 दिन बाद जोड़ती है, आखिर क्यों? हाथरस के डीएम प्रवीण लक्षकार इसके पीछे दलील जो देते हैं, सुनिए, और सुनिए उस दलील पर हाथरस की बेटी के भाई को भी जवाब देते हुए। जो पीड़िता के भाई है, उन्होंने एक थाने पर तहरीर दी थी कि उनकी माँ और बहन खेत पे चारा काटने गई थी, तो उनको जान से मारने की नीयत से उनकी बहन पे हमला हुआ, और इसमें धारा 307 और SST का मुकदमा पंजीकृत किया गया, और एक अभियुक्त का उन्होंने नाम दिया था, उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इतना नॉर्मली ले रही थी जैसे कि एक उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस लिखवाया था वो गलत लिखा हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भैया को ने जान बचाने की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ से उठा के जैसा FIR आया उनके हिसाब में ऐसा उन्होंने लिख दिया। पुलिस को रेप का केस दर्ज करने में 8 दिन क्यों लगे, अब इसका तर्क भी सुनिए। जब वो बयान देने की स्थिति में आई तब 22 तारीख के दिन उनके विवेचक के दौरान उनके बयान लिए गए, और बयान में गैंग रेप की बात कही गई जिसपे धारा 376 की वृद्धि की गई, और जो 3 अभियुक्त और उनके द्वारा बताए गए उसमें से एक अभियुक्त को हमने 23 तारीख को अरेस्ट किया, 22 को उन्होंने गैंग रेप के बारे में बताया, 23 को हमने अरेस्ट किया, एक को 25 को किया, एक को 26 को अरेस्ट किया। हाथरस पुलिस अब सीधा सा क्या ये जवाब देगी? अगर पीड़ित लड़की की मौत बयान दिए बिना हो जाती तो क्या पुलिस रेप का केस ही दर्ज ना करती? जहां 8 दिन लगे हों रेप का केस दर्ज करने में, क्या वहां सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हुई होगी? लापरवाहियों का बुलडोजर चलाया है हाथरस में पुलिस और प्रशासन ने जी, वरना हाथरस की बेटी को बचाया जा सकता था, ये आरोप परिवार वाले लगाते हैं। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट के अंतर्गत, इसीलिए हम FSL की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दुष्कर्म हुआ या नहीं, 19 साल की लड़की की मौत के 16 दिन बाद बड़ी जिम्मेदार बन रही है हाथरस की पुलिस, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देता कोई। 8 दिन तक जो बेटी बोलने तक की हालत में नहीं थी, उसे 3 घंटे दूर दिल्ली में इलाज कराने भेजने में 15 दिन क्यों लग गए? पिता तक मानते हैं कि बेटी को पहले दिल्ली के बड़े अस्पताल पुलिस और प्रशासन ले आता, जान बिटिया की बच जाती। हाँ, अगर बेटी अगर पहले आ जाती तो हो सकता है कि बच जाती। हाथरस की बेटी को जब तक 200 किलोमीटर का सफर तय करके अस्पताल लाया जाता दिल्ली में, जान चली गई उसकी, और इस देरी के पीछे ये वजह अलीगढ़ रेंज के IG बताते हैं। जिन पिता और भाई का हवाला IG अलीगढ़ दे रहे हैं,
एबीपी न्यूज संवाददाता इला काजमी उन तक भी पहुंची और सच पूछा। अब आप सुनिए। 14 तारीख से 22 तारीख तक इन्हें मेडिकल कॉलेज में कोई अच्छा इलाज नहीं दिया गया। रिकवरी वार्ड में, नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड जो होता है उसमें डाल रखा था। परिवार का आरोप है कि पिछले 10 दिन में अच्छे इलाज का सिर्फ आश्वासन हाथरस में प्रशासन देता रहा। मगर वहाँ एम्स में कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई और सफदरजंग ने भेज दिया। यानी आईजी अलीगढ़ कहते हैं कि परिवार चाहता था कि एएमयू में ही इलाज हो। परिवार कहता है कि 5 दिन से दिल्ली इलाज कराने भेजने का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था और ऐसी लापरवाहियों के बीच हाथरस की बेटी ने दम तोड़ दिया, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए अब राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। सवाल ये है कि ऐसी मोमबत्ती तो हर बार किसी बेटी की मौत के बाद जलती रही, लेकिन क्या कानून व्यवस्था जागती है? क्योंकि जिन्हें बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए जागना चाहिए, वो उनकी मौत के बाद जल्द शव दिलाने और मुआवजा बांटने की तेजी दिखाने में ही अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं। सरकार की तरफ से परिवार वाले चाहते हैं कि जो बॉडी है उनको जल्द से जल्द दिलवा दी जाए, तो सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली में बातचीत करके वो भी करवा रहे हैं। हमने पीड़िता को 4,12,500 रुपए की मदद पहले दी है और आज हमने 5,87,500 रुपए की और मदद दे रहे हैं। सरकार की तरफ से इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मुआवजा, मगर सरकार की तरफ से एक दिया जाता है 10 लाख रुपए, वो भी दिया जा रहा है। हाथरस की बेटी से अपराध के 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अब भरोसा दे रही है कि तुरंत चार्जशीट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी, लेकिन रेप के मामले हमारे देश में राजनीति का बड़ा मुद्दा बनते हैं, लिहाजा हाथरस की बेटी का मुद्दा भी राजनेताओं को भा गया है। दिल्ली में दिन में कांग्रेस का प्रदर्शन, लखनऊ में रात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्रयागराज में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, और आगरा में दलित संगठन का। हाथरस की बेटी के दिल्ली में इलाज के दौरान मौत के बाद अपनी अपनी राजनीति के मुताबिक प्रदर्शन शुरू हो गए। जैसे ये है चंद्रशेखर आजाद, दलित संगठन भीम आर्मी के मुखिया। सफदरजंग अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देखिए, बैरिकेडिंग यहाँ पे उठाते हुए भीम आर्मी वाले मोर्चरी के बाहर की बैरिकेडिंग है, ये अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है और ये देखिए पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है इनको। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भीम आर्मी वाले मोर्चरी के अंदर दाखिल हो रहे, नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और सिक्योरिटी जो भी है उनको रोकने के प्रयास कर रहे, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी सुबह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर जुटी है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को अपनी पॉलिटिक्स साधने वाला मुद्दा मिल गया। इनकी राजनीति बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के खिलाफ है। मैं इनके जो है राष्ट्रवाद को और इनके धर्म की राजनीति को जानता हूँ। जो ये कहते हैं पूरे 5 साल चिल्लाते हैं कि हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू को एकजुट होना चाहिए। ना किसी हिंदू संगठन ने आवाज उठाई, ना कोई हिंदू संगठन उनसे मिलने गया, ना किसी महिला संगठन ने, महिला आयोग ने आवाज उठाई। इससे प्रतीत होता है कि दलित आज भी दलित है और उसको इस भेदभाव का सामना जो है करना पड़ेगा। ये दलित की बेटी है, भारत की बेटी, आज ये लोगों को तय करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा प्रदर्शन अभी कांग्रेस कर रही है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। दिल्ली में सुबह कांग्रेस के युवा नेता संसद के पास प्रदर्शन करने उतरे, शायद इसलिए ताकि इसे दिल्ली के निर्भया केस जैसी राजनीतिक तुलना के तौर पर दिखा सके। देश के अंदर हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, उसकी हत्या हो गई, सरकार और समाज ने उसकी हत्या कर दी, योगी सरकार चुप है, मोदी सरकार चुप है। शाम को कांग्रेस मोमबत्ती लेकर लखनऊ में प्रदर्शन करने उतरी। इस प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अपराध में जात की सियासत तलाश रही है। वजह है राहुल गांधी का ट्वीट, जो अपराधियों की जाति और वर्ग खोजते हैं। लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्ग विशेष के जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला।
राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के कारण ही उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के घर तक भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। आशंका है भीम आर्मी और दूसरे दल पीड़ित बेटी के शव के साथ अब आंदोलन ऐसा बढ़ा सकते हैं जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। आज जो होगा वो शव नहीं है, हमारी बहन की लाश है वो। उसके बाद जो होगा वो पूरी दुनिया को और देश को पता लगेगा, हमने तय कर लिया है। कल हमने आपको अतीकवादी आतंक की घंटी बजाने वाली खबर दिखाई थी और बताया था उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही है। आज इसका अपडेट देखिए। अतीकवादी आतंक की घंटी उत्तर प्रदेश में कानून कैसे बजा रहा है, ये कल इसी वक्त घंटी बजाओ शो में आपको हमने दिखाया। राजनीति की आड़ में गुनाह और अवैध कब्जे का कारोबार चलाने वाले अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों के काले साम्राज्य को तो कार्रवाई का बुलडोजर कुचल ही रहा है, ऐसे माफियाओं के साथियों और करीबियों पर एक्शन लगातार हो रहा है। प्रयागराज में अब अतीक अहमद के तीन करीबियों हिस्ट्री शीटर राशिद, कथित शार्प शूटर कम्मो और जाबिर के अवैध आलीशान मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आज भी अतीक के तीन करीबियों के संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये कार्रवाई शहर के बेली इलाके में चल रही है। आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं ये अतीक अहमद के करीबी राशिद के मकान की है। तीन सर बुलडोजर जो है यहाँ पर इस मकान को जमींदोज कर रहे हैं। इनके द्वारा राजकीय स्थान की भूमि पर कब्जा करके दो मंजिला अवैध निर्माण करवाया गया था। इसको जॉइंट ड्राइव चल रही प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजकीय स्थान विभाग की इसको ध्वस्त करा रहे हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक के घर कुर्की का नोटिस रामपुर पुलिस ने पहुंचा कर लगा दिया। यूसुफ भी आजम के साथ भूमाफिया घोषित। रामपुर में गुनाहों की मदद से अवैध संपत्तियां खड़ी करने वाले 207 गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई। 7.5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली। मेरठ में शराब माफिया रमेश प्रधान के घर समेत 1.10 करोड़ की प्रॉपर्टी की कुर्की हो गई। रमेश प्रधान अपने दो साथियों के साथ जेल में बंद है। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के जेल में बंद वसूली माफिया सुरेश सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कसा। अवैध संपत्ति के साथ अपराधी सुरेश की इनोवा क्रिस्टा कार समेत 4.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत के 20 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया गया है।